मैनपुरी पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। भोगांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भोगांव पुलिस ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बनकर पुलिस और प्रशासन के उच्च अधिकारियों पर दबाव बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद मैनपुरी के भोगांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बनकर पुलिस व प्रशासन के उच्च अधिकारियों पर दबाव बनाने वाले फर्जी आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीते 30 मार्च 2021 को एसडीएम और तहसीलदार को फोन के जरिए सुरेश चंद्रा वरिष्ठ आईएएस पूर्व प्रमुख सचिव राजस्व विभाग बताकर जनपद मैनपुरी में कितनी तहसील है और कौन कौन तहसीलदार है इस संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा यहां तक कहा कि तहसीलदार सदर और करहल और कुरावली से कह दे कि मुझसे फोन पर बात कर ले। तहसीलदार भोगांव की तरहीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मैनपुरी एसपी के आदेश पर 3 टीमों का गठन किया गया और सरजी आईएएस को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे घटनाक्रम का मैनपुरी एसपी अशोक कुमार राय ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। पकड़े गए फर्जी आईएएस अधिकारी यानी कि आरोपी के पास से सिम कार्ड एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है, पकड़ा गया है। आरोपी एक शातिर अपराधी बताया जा रहा है। पकड़े गए आरोपी ने अन्य जनपदों में भी फर्जी सिम कार्ड के जरिए करीब 40 से 50 आईएएस अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। कई दिनों से ऐसी सूचना मिल रही थी कि अज्ञात व्यक्ति फोन कॉल करके राजस्व तहसीलदारों को, एसडीएम को और सीनियर आईएएस अफसर बन करके लखनऊ से दबाव बनाना काम कराने के लिए साथ में पुलिस अधिकारी बन करके पुलिस अधिकारियों पर रोक गांठना और उनसे कार्य के लिए दबाव बनाना, इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी संदर्भ में जब यहां पर भोगांव से एक सी सूचना मिली कि ये तहसीलदार पर प्रेशर बना रहा है, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अधिकारी इसमें सक्रिय हुए और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया। उस आधार पर फिर ये पुलिस ने एक कार्रवाई शुरू की है और ये फिर साथी अपराधी जो कि कई जनपदों में ये इस तरह से फोन कॉल करके पुलिस अफसरों को, प्रशासनिक अफसरों के नाम पर ये दबाव बनाता था काम कराने के लिए, इसको आज अरेस्ट करके जेल भेजा गया। पहले भी ये सर किसी मामले में जेल गया है? ये बांदा में एक बार केदवारी थाना है वहाँ पर ये 2020 में जेल गया है और ये बेसिकली लखीमपुर खीरी कराने वाला है और ये विभिन्न जनपदों में प्रेशर बना के इस तरह से अवैध करने का प्रयास करता है।